हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो है अपनी ज़िंदगी में जो है वो मसरूफ होंगे, अपनी करियर को प्रोग्रेस करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट के हवाले से। तो पर्टिकुलरली FIA ऑफिशियल सिलेबस में जो हमारा जनरल नॉलेज का जो सेक्शन चल रहा है उसके अंदर से हमारा जो टॉपिक है आज का वो एब्रीवेशंस के हवाले से है। एब्रीवेशंस को आपने सबसे पहले समझना होगा, जब भी बात आती है एब्रीवेशंस की तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, तो अब इसका एब्रीवेशन क्या होगा कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें, तो वो होगा ICC, ठीक है। ICC क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर क्रिकेट एंड सी फॉर काउंसिल। तो हमेशा जब भी बात आती है एब्रीवेशंस की तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म। तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो दुनिया में यूज़ होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप ले लें, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो हैं उनके एब्रीवेशंस होते हैं, इसी के साथ साथ जो डिफरेंट दुनिया में चीज़ें होती हैं उनके एब्रीवेशंस जो हैं वो बड़े मशहूर होते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह जो एब्रीवेशन हैं जो फेमस हैं जो पास्ट के एग्जाम्स में आते रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा और हमारा ये जनरल नॉलेज का सेकंड लास्ट जो है वो ये टॉपिक है, इसके बाद से हमारा जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है पर्टिकुलरली ये ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन जो मैंने आपके लिए निकाले हैं इनको आपने ध्यान से देखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि पास्ट एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ें आती रही हैं, ठीक है। इसके ऊपर MCQs नहीं बन सकते, आप जो है इसको पढ़ लें, एक दफ़ा समझ लें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो एब्रीवेशन सबसे पहला है AAP, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस के नाम से हम इसको कहते हैं। AC जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एब्रीवेशन है, किस किस चीज़ का है ये देखें, अल्टरनेट करंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर या AC, ठीक है। AC बहुत नॉर्मल हमारी लाइफ में यूज़ होता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है ये एयर कंडीशनर है। उसके बाद ACR आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये आपके करियर के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ शुरू जो है वो जो है क्या कहते हैं इसको इस्तेमाल होता है कि यार हमारी एनुअल ACR कैसी है। तो एनुअल ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, जिसमें जो है आपका जो सुपरवाइज़र होता है, आपका बॉस जो होता है, वो आपके बारे में कमेंट करता है, उसको हम ACR बोलते हैं। फिर आप देखेंगे उसके बाद एड, AD, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। एड जहाँ पर आप लफ्ज़ देखेंगे इसका मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए चीज़ यूज़ हो रही है। फिर है ADB, ADB से आपको मुराद है, हमने ऑर्गेनाइजेशंस में से पढ़ा था जो वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट जो बोर्ड है उसके हवाले से इसका नाम जो है मशहूर है। और ADB एक और चीज़ को भी बोलते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी जो है हम ADB के नाम से जानते हैं। फिर ADM है एडमिरल, जो नेवी के अंदर मौजूद होता है, नेवी का एक रैंक है जिसको हम एडमिरल बोलते हैं, अगर उसका हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो ADM भी हम यूज़ करते हैं। देन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है AFP जो है, आपने तो है ये बहुत बार जो है अपने एग्जाम्स में भी सुना होगा। AFP से क्या मुराद है, एजेंसी ऑफ फ्रांस प्रेस, ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जो है ये एजेंसी है, प्रेस एजेंसी है, तो इस वजह से इसका नाम आपने याद रखना है। AG से आपको पता होगा कि अकाउंटेंट जनरल इसका फुल फॉर्म बनता है। देन AGPR जहां से हम सब की जो भी हम लोग जॉब कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो AGPR से हमें सैलरीज रिसीव होती हैं। तो अब AGPR क्या जो है वो फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप जनरल इंफॉर्मेशन यानी आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। जैसा कि फुल फॉर्म है AGPR का, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवन्यू, इसका फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है। AI देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये शायद मैंने कंप्यूटर सेक्शन में भी आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एड्स, एड्स जो है ये एक बीमारी है और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रखना चाहिए। बहुत दफ़ा इंटरव्यूज में जो है आपसे इस तरह के एब्रीवेशंस भी पूछे जाते हैं, तो अब रिटन के एग्जाम्स के अंदर से हवाले से तो ये आपने चंदे याद करने हैं। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद AM जो यूज़ होता है हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं, जैसा कि 11 AM, ठीक है। अब AM से क्या मुराद है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि AM हम किस लिए यूज़ करते हैं, एंटी मेडियन, ठीक है, एंटी मेडियन जो है फुल फॉर्म है AM का, ठीक है।
चलते हैं मजीद कुछ एब्रीवेशन इम्पोर्टेंट जो हमारे यूज होते हैं। ANF जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ एंटी नार्कोटिक फोर्स है, उसको हम ANF भी बोलते हैं। AMP जो है ये फिजिक्स से रेलिवेंट है, इसका जो फुल फॉर्म है ये एम्पेयर्स है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में, जिसमें एम्पेयर जो है ये एम्पेयर्स का जो है एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है। देन APP, ये बहुत मशहूर जो है ये टर्म यूज होता है APP के हवाले से, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ये याद रखें। देन ATM जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो है वो यूज करते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो ATM से क्या, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो आपको ये भी चीज आनी चाहिए क्योंकि ये जनरल इंफॉर्मेशन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है हम इसको बोलते हैं, ATM को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एब्रीवेशन का सबसे आसान तरीका है याद करने का, जो आपका टर्म होता है जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसी से आपके लफ्ज स्टार्ट होते हैं, यानी अगर फुल फॉर्म है तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ऑटोमेटेड से हमने ए अखज किया, टेलर से टी अखज किया और मशीन से एम किया, तो ATM के बन गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे B2B, ठीक है, ये बिजनेस लैंग्वेज है। B2B से मुराद होता है बिजनेस टू बिजनेस, कोई भी आप कारोबार करते हैं अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो हम उसको B2B बिजनेस कहते हैं। देन BA हमारे यहाँ बहुत यूज होता है, BA एक डिग्री है जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। BBC एक न्यूज चैनल है जैसा कि आपको पता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत बार जो है ये लास्ट टाइम जो FIA का टेस्ट हुआ था, OTS ने कंडक्ट किया था, उसमें पूछा गया था कि BBC क्या मुराद है। BBC से मुराद है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, क्या, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो BBC जो है वो इंग्लैंड का एक चैनल है, ब्रिटिश का चैनल है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो ये बनेगा। उसके बाद BDS जो डॉक्टर होते हैं, BDS इसका फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 22 जो हमारे जो हमारा जिससे हम FA FSC करते हैं, मैट्रिक करते हैं, उस बोर्ड का नाम क्या होता है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद आप देखेंगे BP से क्या मुराद है, BP से मुराद है क्या, दो चीजें यहां से मैंने अखज की हैं, ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यहां तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी, बड़े आसान लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूँ। BPS से मुराद है बेसिक पे स्केल, ठीक है, जिस तरह से अभी आपके यहाँ जॉब्स आई हैं FIA के अंदर, तो इनके स्केल्स हैं, ठीक है, 15वां स्केल, 14वां स्केल, 11वां स्केल, तो इसका BPS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक पे स्केल। देन अगेन BTU से क्या मुराद है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये एक मेजरमेंट का यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, आपने फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CAA, आपने बहुत ज्यादा इदारे का नाम सुना होगा, सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान का एक बहुत जबरदस्त इदारा है जो सारे जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसको डील करता है, उसके हवाले से। उसके बाद देखेंगे आप CBI से क्या मुराद है, CBI से मुराद है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देन आपने देखा होगा CD से क्या मुराद है, जो आप कंप्यूटर में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद CDR, जब आप कहते हैं ना यार कि उसकी CDR निकलवा दो, CDR से क्या मुराद है, CDR एक कंप्लीट एक डेटा होता है आपकी कॉल्स का, उसको हम बोलते हैं कॉल डिपॉजिट रिसीट्स, ठीक है। देन CFO से क्या मुराद है, CFO जो है वो होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और CEO का तो आपको पता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसको नहीं बताया, CEO से होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। मजीद आगे चलते हैं कि कौन से मजीद हमारे पास जो है एब्रीवेशन है हमें याद होने चाहिए। CIA जैसा कि आपको पता है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये USA की जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। फिर आप उसके बाद देखते हैं CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अब आपने ये बहुत ज्यादा याद रखने हैं इस तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं, CIA, CID, FIA, FBI, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो आप जिसमें जिस फोर्स में आपने अप्लाई किया है उसका ताल्लुक भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज से है, ठीक है। तो आपने ये पर्टिकुलरली ज्यादा याद करना है, इसको ज्यादा जहन में रखना है। CNG जो आप अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद हमने BBC का पढ़ा था कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, तो CNN से क्या मुराद है, CNN भी एक अमेरिकन चैनल है जैसा कि आपको पता है, इसका फुल फॉर्म है केबल न्यूज नेटवर्क,
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं COAS। आपने खबरों में बहुत सुना होगा, खबरों में, अखबारों में जो है बहुत ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूज होता है अल्फाज बहुत ज्यादा। कोर्स, कोर्स का जो फुल फॉर्म है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इसका फुल फॉर्म है। COL कर्नल को हम बोलते हैं, ठीक है, कर्नल के लिए जो आर्मी में यूज होता है वो कर्नल होता है। CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद CSP, जैसा कि आपको पता होगा कि सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान CSP का फुल फॉर्म है। उसके बाद CSS है, ये सबको पता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हम इसको बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सिटी स्कैन, जो हम बहुत ज्यादा अपने यहाँ जो है यूज करते हैं, अल्लाह किसी को ऐसी नौबत ना लाए कि उसको सिटी स्कैन की जरूरत हो, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनिंग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद DC है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी जिंदगी में कि DCO साहब से बात करवा दें या DCO साहब से रब्ता करें इस मामले के लिए, तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर। उसके पास जो है पूरा जो है वो जिला जो होता है वो उसको कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद DG है, जैसा कि बहुत मशहूर है, हमारी पोस्ट का नाम है बहुत ज्यादा, डायरेक्टर जनरल। फिर DIG जो है वो पुलिस में ज्यादा यूज होता है, ये एब्रिविएशन, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, ठीक है, DIG का फुल फॉर्म है। फिर DSP भी पुलिस में यूज होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये ज्यादा आपने याद रखने हैं क्योंकि ये फोर्सेस से रेलिवेंट जितने भी हैं ये जो है ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, लेकिन सब ही पूछे जा सकते हैं, ये पास्ट एग्जाम्स में रिपीट होते आए हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट है DSL, जो आप घर में अपने इंटरनेट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर आपको DSL प्रोवाइड करता है, उसका फुल फॉर्म क्या है ये हमें पता होना चाहिए। उसका फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन उसका फुल फॉर्म है। देन ECG, हम जो है वो दिल की बीमारी में जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो आपको रिकमेंड करता है कि आप ECG करवा दें, तो ECG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब कार्डियो किसको बोलते हैं, वो दिल को बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देन बहुत ज्यादा जो है एब्रिविएशन यूज होता है जो आपको आना चाहिए, ECL। ECL से क्या मुराद है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। जो भी बंदा जो है वो कभी किसी जुर्म में मुर्तकिब होता है, किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है, तो गवर्नमेंट उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल देती है, उससे ये मुराद होती है। इंशाल्लाह आप सब जो है वो इंशाल्लाह FIA में सिलेक्ट होंगे, अगर किसी का जो किसी को अगर ग्रुप मिलेगा इमिग्रेशन का तो वो उसका इससे बहुत ज्यादा पाला पड़ेगा कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट किसको बोलते हैं। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट उस चीज को बोलते हैं जब भी कोई बंदा जो है वो किसी इल्जाम में यानी किसी जुर्म में जुर्म का मुर्तकिब होता है तो उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया जाता है। अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में क्या होता है कि वो बंदा जो है फॉरेन नहीं जा सकता, वो जब आपके पास डेटा आ जाता है एयरपोर्ट पर कि आप उसको बाहर नहीं जाने दे सकते क्योंकि उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलते हैं अपनी मजीद एब्रिविएशन जो हमारे सामने है, ENT, ईयर नोज एंड थ्रॉट, ये एक डॉक्टर जो है ये डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, ईयर नोज एंड थ्रोट ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं ENT के, आपने देखा होगा। FAQ आपने बहुत ज्यादा यूज सुना होगा, इससे मुराद है F फॉर फ्रीक्वेंटली, A फॉर आस्क और Q फॉर क्वेश्चंस, ठीक है, FAQ बहुत ज्यादा आप सुनते हैं। फाटा जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया है हमारा, उसको हम बोलते हैं फाटा। खैर अब तो ये मर्ज हो चुका है KPK में जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन आपको इसकी जो है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद FBI जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये भी आप ये USA की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इसका नाम भी इसका एब्रिविएशन भी आपको आना चाहिए, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको FDI से मुराद है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद FDE है, फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद FIA, जिसका हम ये पूरा सिलेबस जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहलाता है FIA का फुल फॉर्म। FIR से क्या मुराद है, ये क्योंकि टर्म्स हैं जो आपकी सर्विस से रिलेवेंट है, इस पोस्ट से रिलेवेंट है, ये आपको आने चाहिए। FIR को हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर कोई जुर्म होता है तो सबसे पहले हम जब पुलिस में जाते हैं तो हम क्या लिखवाते हैं, सबसे पहले हम लिखवाते हैं FIR, उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देन FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद FWO बहुत ज्यादा यूज होता है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद GDP जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि पाकिस्तान का GDP क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, GDP का
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम जीडीपी को बोलते हैं। उसके बाद हमने जीएमटी जो है वो पढ़े कंप्लीटली हमने पढ़ा था इसी अपने जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर, ग्रीन विच मीन विच मीन टाइम, वो क्या है जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीन विच मीन टाइम, ठीक है। इसको हम डिटेल पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने हमारा वो लेक्चर नहीं सुना तो वो सुन लें क्योंकि ये बहुत आगे आपका काम आने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि जीपीएस से क्या मुराद है। जीपीएस जो आप अपने मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं, जब अगर आप गूगल मैप लगाते हैं तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा मदद देती है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए वो होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद आप देखेंगे जीएसटी बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर आप कोई भी बाजार से प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर नीचे लिखा होता है रेट्स के पास जीएसटी, उसमें क्या होता है इसका फुल फॉर्म क्या है जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद एचआईवी जो एक खतरनाक बीमारी है उस वो क्या कहते हैं उसको फुल फॉर्म क्या है हाइड इम्यून वायरस, ठीक है, ये आपने इसकी जो है एब्रीविएशन जो है फुल फॉर्म इसके याद करना है। एचआरडी से क्या मुराद है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। फिर एचटीएमएल से जो हम कंप्यूटर की जो हमने वो पढ़ी थी अपना शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी उसमें भी हम पढ़ चुके हैं, तो एचटीएमएल को यहाँ भी पढ़ लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस हम इसको बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले ले और जो है अपने पास सेव कर ले और इसको वक्तन फवक्तन जो है पढ़ता रहे, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है इसको मजीद जो है इसको मुश्किल होगी आपको याद करने में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे IAEA, ये एक इदारा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इदारा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आईबी बहुत मशहूर इदारा है पाकिस्तान का जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। और उसके बाद आईसी जो है मैंने आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी पढ़ाया था कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ठीक है। ICAO से क्या मुराद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको हेडक्वार्टर्स में बताया था, ये कैनेडा के अंदर मौजूद है इसका हेडक्वार्टर और मॉन्ट्रियल जो है वहां पर मौजूद है, ठीक है। आईसीयू से क्या मुराद है जो आप हॉस्पिटल्स में अल्लाह ताला कभी भी किसी को जो है ये जगह ना दिखाए तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत बार यूज होता है हमारी जिंदगियों में कि आईसीयू 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 का फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। इस यूनिट के अंदर जो है जो मरीज होता है जो पेशेंट होता है उनको इंतहाई जो है वो केयर दी जाती है, तो इस वजह से इसको कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। आईजी से क्या मुराद है जो पुलिस के अंदर यूज होता है इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, सबसे बड़ा ओहदा होता है पुलिस के अंदर वाइसिंग ग्रेड का, ठीक है। उसके बाद IMF ये हम पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में हमारे पाकिस्तान में लफ्ज यूज होता है। आईपी से क्या मुराद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हम इसको बोलते हैं और इंटरनेट प्रॉक्सी भी बोलते हैं, इन दोनों लफ्ज से आप जो है वो वाकिफ होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से बिल्कुल सिंपल सा समझ लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी जो है इजाद हो, यानी आपकी अपनी इन्वेंशन हो, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटरनेट प्रॉक्सी क्या होती है वो आपको मालूम ही है कि जो जिसके थ्रू हम जो है इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड हैं हम और सर्वर से हम कनेक्टेड हैं उसको हम इंटरनेट प्रॉक्सी बोलते हैं। IQ जो है इंटेलिजेंस क्वोशेंट होते हैं। ISO बहुत बार आप यूज सुनते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप जब बाजार से खरीदते हैं आप कहते हैं ISO सर्टिफाइड है या नहीं है, तो ISO सर्टिफाइड क्या है असल में इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है उसको सर्टिफाइड करती है कि आया ये प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनली जो है ये रिलायबल है या नहीं है। तो हर चीज जब भी आप कोई चीज खरीदे तो ये मेक श्योर करें कि ये आया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ISI से कौन नहीं जानता, इस इदारे को सभी जानते हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो, ठीक है। उसके बाद ISP से क्या मुराद है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। फिर ISPR जो पाकिस्तान आर्मी का एक इदारा है जिसका काम है खबर आम करना, यानी पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड जो है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन इसको हम बोलते हैं। उसके बाद ISSB है, ठीक है, जो लोग यहाँ तक गए होंगे और यहाँ से काफी लोग रिकमेंड भी होते हैं। अब ये क्या चीज़ है ISSB है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये आर्मी का एक इदारा है जो यहाँ से कैडेट्स जो है वो सिलेक्ट करता है फॉर लॉन्ग कमीशन कोर्स, ठीक है।
उसके बाद आईटी है, आईटी से आप सब लोग हमकिनार होंगे, पता होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। देन कनूप क्या है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कराची के अंदर मौजूद है। के एच जेड से क्या मुराद है, ये किलो हर्ट्ज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मजीद एब्रिविएशन की तरफ हम चलते हैं, वो है के एस ई, कराची स्टॉक एक्सचेंज, आपने सुना होगा नाम जो बहुत ज्यादा यूज होता है। देन के डब्ल्यू से मुराद है किलोवाट, ये आप याद रखेगा, एफपीएससी में बहुत बार ये पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है। किलोवाट आपने अपने बिजली के मीटर्स के ऊपर भी देखा होगा, जो आपके घरों पर जो मीटर्स यूज होते हैं उसको भी हम किलोवाट में जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है आपका जो बिजली का बिल है। लेन से क्या मुराद है, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ये इंटरनेट की दुनिया में ये एब्रिविएशन जो है वो यूज होता है। लेजर से क्या मुराद है, मुझे याद है जब मैं अपनी आईएसएसबी गया था तो मुझसे एक बार ये पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर कि लेजर की जो है वो फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे LBW जो क्रिकेट में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि LBW बोलते किसको है, तो इसको हम बोलते हैं लेग बिफोर विकेट। ठीक है, LED जो हम घरों में यूज करते हैं, अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं, जो LEDs लगी हुई हैं हमारे घरों के अंदर या जो है कंप्यूटर स्क्रीन की सूरत में, उसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, फिर LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके बाद LNG है, LNG आप जो घरों में सिलेंडर यूज करते हैं वो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देन LPF है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इस चीज को याद रख लीजिए। फिर पाकिस्तान आर्मी का एक इदारा है MI जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस। ठीक है, MOU आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, कभी भी कोई अगर फॉरेन डेलीगेट आता है तो वो कहते हैं कि MOU साइन हो गया। MOU साइन क्या, MOU होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद नादरा एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। ठीक है, इसको इसका याद कर लीजिएगा, NASA नेशनल एरोनॉटिकल एनरोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसका फुल फॉर्म। नेटो मैंने आपको पढ़ाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 के अंदर जो है वजूद में आई और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो ब्रसल्स के अंदर मौजूद है। नेप्रा जो है ये पाकिस्तान एनर्जी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का एक इदारा है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो नेप्रा में आप देखते हैं कोई भी अगर आपके यहाँ कोई भी बिजली का बिल बढ़ता है, ये पर यूनिट रेट बढ़ता है, तो वो यही इदारा जो है वो इसको बढ़ाता है क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, NDMA बहुत ज्यादा पाकिस्तान का मशहूर इदारा है जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, NGO से फुल क्या मुराद है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, फिर NHA है जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं वहां पर क्या मौजूद है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड NIC जिसको हम बोलते हैं, हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है जो आईडी कार्ड हमारे पास मौजूद होता है। देन उसके बाद NOC है, NOC से आप खूबी वाकिफ होंगे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, यानी ऐसा सर्टिफिकेट जो जहाँ कहीं पर भी अगर आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर होते हैं, जब दूसरी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको अपने इदारे से NOC चाहिए होता है, उस NOC का फुल फॉर्म क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। NTN बहुत ज़्यादा यूज होता है, नेशनल टैक्स नंबर NTN जो है वो FBR के मामलों में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, NTN नेशनल टैक्स नंबर होता है। OPF क्या है, ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन है। देन OSD क्या होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जब वो एस्टैब्लिशमेंट चले जाते हैं उनको एस्टैब्लिशमेंट भेज दिया जाता है वापस अपनी जॉब से, तो उसको हम OSD कहते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। पेमरा हमारा एक बहुत मशहूर इदारा है जो 2001 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, उसका फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। PID जो है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का। देन पिन से क्या मुराद है, कभी कभार हमारे मोबाइल फ़ोन पर या सिम कार्ड के ऊपर पिन लग जाता है, पिन कोड मांगते हैं, पिन कोड क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर होता है। PM से क्या मुराद है, ग्रीनविच मीन टाइम में हम पढ़ चुके हैं, प्राइम मेरिडियन कहलाता है, और AM क्या कहलाता है, एंटी मेरिडियन। ठीक है, PPC से क्या मुराद है, पाकिस्तान पेनल कोड जो है उसको हम बोलते हैं POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ बहुत मशहूर इदारा है। PST से क्या मुराद है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद SCCP एक इदारा है पाकिस्तान का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है। सिम से क्या मुराद है, ये अब जो चीजें आ रही हैं ये आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदे को आना भी चाहिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, ना सिर्फ टेस्ट के लिए। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल बोलते हैं, जो आपका सिम कार्ड होता है जो मोबाइल में डलता है उसको हम बोलते हैं सिम। इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद SMS है जो हम अपने मोबाइल में यूज करते हैं, शॉर्ट सर्विस मैसेज हम किसको बोलते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म है। SNGPL क्या है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। उसके बाद UMS जो आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आप कोई भी खत वगैरह भेजते हैं वो UMS हम उस पर लिखते हैं बाय UMS, तो उसका फुल फॉर्म है अर्जेंट मेल सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है और ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद हमारा जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। UPS जो आपके घरों में मौजूद है इसको हम फुल फॉर्म कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्यों कहते हैं, कि जैसे ही आपकी बिजली जाती है कि आपको महसूस भी नहीं होता आपकी बिजली जो है वो जल रही होती है, हालांकि पीछे बैकहेंड से चली जा सकती है क्योंकि चली जाती है, लेकिन ये अपने पास बिजली स्टोर रखता है, एक बैटरी इसके साथ होती है, तो इसको हम UPS को बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, हम इसको कंप्यूटर सेक्शन में पढ़ चुके हैं। USB जो आप USB यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। WAN जो है वो वैल्यू एडेड नेटवर्क है। देन VAT क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। देन VGA जो आपका कंप्यूटर के अंदर होता है, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे इसको बोलते हैं। VOD वीडियो ऑन डिमांड। देन VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद जो WADA है, WADA क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ये स्पोर्ट्स के अंदर जो भी डोपिंग जो डोप केस होते हैं ये उनको कंडक्ट करती है, आया किसी ने कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ली हुई, कोई ताकत की चीज नहीं ली हुई, वो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसका नाम है उस इदारे का वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसके बाद WAN है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर के इंटरनेट की दुनिया में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। WAP क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद WWF एक इदारा है, UN का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हम जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना पड़ेगा। ये हम बोलते हैं www. हम जब भी कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो हम शुरू में लिखते हैं www. ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट हमने अभी एब्रीविएशन इसको डिस्कस किया है तो आप ये आपको ये कुछ चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइट मत लीजिएगा एब्रीविएशन को। यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन अगर भी आ गए तो आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके स्कोर्स पर, तो इसको लाइट ना लें, इसको पढ़ें। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन हैं, बिलीव मी यही पास्ट के एग्जाम्स में आते रहे, आप सर्च कर सकते हैं इसके हवाले से। मैं अब MCQ नहीं बना सकता उसकी, क्योंकि वजह यह है कि जो भी चीजें हमने अब इसमें पढ़ी हैं अब इसके हवाले से कोई भी MCQ इसमें आ सकता है। जितने भी एब्रीविएशंस मैंने आपको बताए हैं यूं समझिए सारे के सारे MCQ मैंने आपको बताए हैं, पास्ट पेपर्स में ये रिपीट होते रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।